Hello guys, I am back with the 10th standard geometry chapter number 4 doubt question number 7. So question number 7, draw a circle with radius 4.1 cm. Construct tangents to the circle from the point at a distance 7.3 cm from the center. So rough diagram सबसे पहले बनाएंगे. रफ डायग्राम बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, बिकॉज ये गाइड करता है हमें आगे क्या कंस्ट्रक्ट करना है. रेडियस है 4.1 सेंटीमीटर, लाइन को आगे एक्सटेंड करना है कहाँ तक, 7.3 सेंटीमीटर तक. क्वेश्चन में जो है नेम्स नहीं दिया है, सो हम नेम दे देंगे क्वेश्चन को, ए बी कोई भी नेम्स जो है दे सकते हो. रेडियस कितना दिया हुआ, 4.1 सेंटीमीटर का रेडियस है. रेडियस जो है 4.1 सेंटीमीटर है. हाँ, जीरो से लेना है, वन से नहीं स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपका जो है डायग्राम रॉन्ग होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. जीरो से लेना है, जीरो जीरो, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है ना, वो जीरो है. एंड मैंने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर आपको नहीं पकड़ना है, अदरवाइज ये प्रेस होकर जो है थोड़ा सा इसका मेजरमेंट डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसे पकड़ना है आपको, ऐसे. ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट, पॉइंट को नेम दिया है मैंने रफ डायग्राम में ए. आप कोई भी नेम्स दे सकते हो, अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया है तो. 0 to 7.3 सेंटीमीटर, 7 उसके आगे 3 लाइन्स, 7.3 का मेजरमेंट ड्रॉ कर दिया. आप कंपास में लेकर आर्क ड्रॉ करके भी कर सकते हो. देन अब हमें जो है इसका लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ करना है. लाइन बाय सेक्टर की हेल्प से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. सो रेडियस कितना था हमारा सर्कल में, कहीं भी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे रेडियस, तो वो सेम मेजरमेंट का होगा, दैट इज 4.1 सेंटीमीटर. लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ करेंगे हम. लाइन बाय सेक्टर मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर इस लाइन का मेजरमेंट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ. ये रहा आधा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ. अपर साइड एंड लोअर साइड, सेम प्रोसीजर इस पॉइंट के साथ भी करेंगे. और ये जो है स्लिप हो रहा है, अपर साइड एंड लोअर साइड, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. एक मिनट, थोड़ा जूम आउट करती हूँ. ओके, जो लाइन बाय सेक्टर है हमारा, सर्कल पर भी हो सकता है, सर्कल के इनसाइड आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, बस हमें ये परपेंडिकुलर पॉइंट जो मिला, परपेंडिकुलर पॉइंट एम दिया, ये हमें चाहिए था परपेंडिकुलर, इसलिए हमने उसका बाय सेक्टर किया. अब परपेंडिकुलर मिलने के बाद क्या करना है, क्यों चाहिए था ये, यहाँ पर रखना है, सर्कल के सेंटर पॉइंट पर आना है. सी, सेंटर पर आने के बाद सेंटर से परपेंडिकुलर पर एक आर्क ड्रॉ करना है. ये आर्क जो है सेमी सर्कल होगा. सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कट पॉइंट्स मिले हैं ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ऑन द सर्कल, उसे नेम दे देंगे ए. ए भी ऑलरेडी लिया था हमने, तो इसे नाम दिया मैंने डी और ई. कोई भी नेम दे सकते हैं, डी और ई दे दिया. डी और ई को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से मैच करेंगे, बी से. यही हमारा टेंजेंट होगा. टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल से टच होकर जाती है, ना तो वो सर्कल से दूर होती है, ना तो सर्कल के इनसाइड होती है, बस वो टच करके चले जाती है. सेम प्रोसीजर ई पॉइंट के साथ भी. दो टेंजेंट इसलिए ड्रॉ करें बिकॉज क्वेश्चन में टेंजेंट्स बोला है. टेंजेंट्स बोलने की वजह से हमने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया. अगर सिर्फ टेंजेंट होता तो एक ड्रॉ करना था.
आई होप समझ में आया होगा हमने टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।